कैच, धोनी का बल्ला, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से दी मात, टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम तारे सितारे में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषी आचार्य, आचार्य विनोद जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। जय माता दी। जय माता दी। जी हाँ, आज का विषय भी हमेशा की तरह बहुत ही खास है। फेस्टिवल सीजन है जी हाँ, दीपावली भी आने वाली है, धनतेरस और भैया दूज भी, कह सकते हैं कि ये त्योहारों की एक तरह से छड़ी सी लग गई है। और दीपावली को लेकर कहा जाता है कि ये वो खास दिन होता है जब माँ लक्ष्मी, धन की देवी माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर रही होती हैं। आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी ये बताने वाले हैं कि अगर आपको लगता है कि आप दिन रात एक करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, क्या वजह होती है। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि कईयों के पास तो बेशुमार धन दौलत होता है और कईयों के पास दिन रात एक करने के बावजूद भी इतना धन भी नहीं हो पाता कि अपने अच्छे से गुजारा, अपने परिवार का गुजारा कर पाए। क्या कौन से ऐसे दुर्योग होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। बिल्कुल, अपने उन तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं, समझना होगा दोस्तों कि आपकी पत्रिका में ऐसे कौन से योग बने हैं या कौन से ऐसे दोष बने हैं जिनके कारण आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन रहा है। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, हमारे परिश्रम का फल हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारी जीवन में धन का योग नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्या योग होता है जिसके माध्यम से आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बनता है? आपकी पत्रिका का विवेचन करना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका में दशमेश, आपकी दशमेश किसको बोलते हैं, आपकी पत्रिका के अंदर जन्म लग्न पत्रिका के अंदर दशम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर विराजमान है, आठवें भाव के अंदर विराजमान है या बारहवें भाव के अंदर विराजमान है, तो ऐसे जातकों के जीवन में दुर्योग बनता है। और दुर्योग क्या बोला जाता है, दारिद्र का योग बना देता है। मनुष्य के जीवन में चाहकर भी सफलता का योग नहीं बन पा रहा है, कर्म योग नहीं बन पा रहा है, धनवान योग नहीं बन पा रहा है। तो अगर आपकी पत्रिका में, आपको विवेचन करना होगा कि आपका दशमेश कहां पर विराजमान है। आपका दशमेश छठे भाव के अंदर विराजमान है, राहु महाराज जी के साथ में विराजमान है, इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। दशमेश आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है और वह भी राहु जी के साथ में विराजमान है, या द्वादश भाव के अंदर राहु जी के साथ में विराजमान है, तो आपके जीवन में क्या होता है, जो कर्म का फल आपको प्राप्त होना चाहिए। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं आचार्य जी हमारे जीवन में ऐसा योग दुर्योग बनता है, तो दुर्योग के माध्यम से आपके जीवन में कई बार धन आ जाता है, बहुत अच्छा धन का योग बन जाता है, लेकिन एक बार आपके साल में एक महीने के लिए आपके जीवन में धन का योग बन गया और 11 महीने आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। आप देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बना हुआ है। कई बार आप देखते हैं कि आपको धन की विशेष आवश्यकता पड़ी और आप धन, आपके अपने धन को आप एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपके जीवन में दुर्योग का प्रभाव होता है। आप हमारे ऐसे कई दर्शक हैं, बोलते हैं ना गुरु जी, हमारी मति ऐसे भ्रष्ट हो गई और हम कहीं पे जाके जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, या कहीं शेयर मार्केट में हम लॉस आ जाता है, तो उसका कारण क्या है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर दुर्योग बना हुआ है मेरे भाई बहन, तो अपने जीवन में दुर्योग को समापन करने के बाद ही किसी ऐसे कर्म में आप लिप्त हो, नहीं तो आपके जीवन में असफलता, परेशानी का योग बन सकता है। दुर्योग के माध्यम से एक चीज बताया गया है भृगु महाराज जी के अंदर, भृगु संहिता के अंदर स्पष्ट बोला गया है कि छठे भाव के अंदर अगर आपके कर्म भाव के स्वामी विराजमान है, तो आपके जीवन में चाह कर भी सफलता नहीं मिलेगी और वहां पर क्या होगा, आपको जब दुर्योग बनेगा तो रोग के कारण आपके जीवन में धन हानि का योग बनता है, ऋण आपके जीवन में कर्ज का योग बन सकता है और वहां से शत्रुओं के द्वारा पीड़ा, समस्या का योग बन जाता है।
अष्टम भाव से अगर आपकी पत्रिका में दुर्योग बन रहा है तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में आप कोई प्रॉपर्टी ले लिए हैं और आपका पैसा उसमें फंस गया है, उसकी रजिस्ट्री आप नहीं करा पा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को आप नहीं ले पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी के लिए किसी के पास आपने पैसा दिया वो प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं पा रही। हमारे से कई दर्शक हैं जो 2006 से पैसा लगा दिए हैं, उनको बिल्डर जो है उनको फ्लैट नहीं दे रहा है, तो आपकी पत्रिका में दुर्योग हो सकता है। अगर 12वें भाव से आपकी पत्रिका में दुर्योग बन रहा है मेरे भाई बहन, तो आप क्या देखते हैं कि आपने किसी को धन उधार पे दे दिया, बड़ा ट्रस्ट पे आपने दे दिया, वो व्यक्ति आपको धन ही नहीं दे रहा है, आपको बोलता है अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, ऐसे में आपके जीवन में असफलता पीड़ा का योग बन रहा है। अगर आपकी पत्रिका के अंदर दुर्योग बना हुआ है तो कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उस महा उपाय को करना प्रारंभ करिए, आपके जीवन में सफलता आनंद का योग बन जाएगा। जी हाँ, यानी कि कुंडली में वो ऐसे योग हैं, ऐसे कुछ खाने हैं, भाव हैं, जिनकी वजह से धन जाने के सोर्सेस ज्यादा बन जाते हैं और धन आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन आचार्य जी आपको एक महाप्रयोग महा उपाय भी देने वाले हैं, जिसे अपनाने के बाद यकीनन अब आपकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि आर्थिक तंगी अब आपके जीवन में नहीं रहने वाली है, आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा सक्षम होने वाले हैं, बेशुमार धन दौलत जो है मालिका बनने वाले हैं। लेकिन इसके लिए माँ लक्ष्मी को आपको रिझाना है, प्रयास क्या होगा आगे हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले बात करेंगे, जोधपुर से वंदना जुड़ गई है हमारे साथ। वंदना जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते जी। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी मेरे को अपने बेटे के बारे में जानना जी, बताएं। है जी, बताएं जन्म की तारीख। तारीख है 24 जुलाई 1992 में। समय शाम के 5 बजे और प्लेस है जोधपुर। जोधपुर, क्या सवाल है वंदना जी आपका? मेरा सवाल है पंडित जी, एक तो इसके इष्टदेव कौन है और इनका भाग्य उदय कब होगा, और हमारे यहाँ जोधपुर के पंडित जी ने बताया है कि इनको सवा चार रसी का वपुकराज बना है, इसका भाग्य रतन है, और एक इनको सूर्य भगवान का क्या होता है, माणिक जी, कौन सा रतन होता है वो, उनको माणिक होता है जी। बिल्कुल वंदना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, हर उपाय रत्नों का ही नहीं होता है, समझना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन में राहु जी की महादशा चल रही है, राहु जी लग्न के अंदर विराजमान है, और हमारे राहु जी का ऐसा भाव बताया गया कि जिस जातक की पत्रिका में जिस भाव के अंदर विराजमान होते हैं उस भाव में पीड़ा का योग जरूर बना देते हैं। इनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, राहु अकाल पुरुष पूजन आपको करना चाहिए। आपने पूछा है कि इनका इष्ट कौन है, कभी भी हमारे जो दर्शक हैं धनु लगने के जो भी जातक होंगे उनके जो इष्ट बताए गए हैं हनुमान जी महाराज जी बताए गए, हनुमान जी की उपासना करने से मनुष्य के जीवन में सफलता आनंद का युग बन सकता है। आपने एक प्रश्न किया है कि इनको माणिक रत्न धारण कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मेरे हिसाब से इनको एक पुखराज रत्न ही धारण कराए, लेकिन कम से कम, क्योंकि इनका वजन जो है 60 किलो से कम का नहीं होगा, तो कम से कम 7.25 रत्न का एक इनको पुखराज रत्न धारण कराते हैं तो इनके जीवन में सफलता का युग बन जाएगा। जी हाँ, घर में धन आए, धन की बरकत हो, धन बढ़ता चला जाए और घर में खुशियां वास करें, इसके लिए आज का महाप्रयोग बहुत ही खास है जो बस हम आपको आगे बताएंगे आचार्य जी। लेकिन उससे पहले इलाहाबाद से हमारे साथ लता जुड़ गई हैं। लता जी स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। जय माता दी भैया जी। जय माता दी। मैं जी अपने छोटे बहन के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22/5/84 जी। 1984 में जन्म हुआ है। 7 से 7 के बीच टाइम ले लीजिए सर। जी जी। और स्थान? स्थान बर्दवान। सुबह का है या शाम का है इनका ये समय? उसका तलाक मैंने कि क्या करे, 2 साल से केस चल रहा तलाक। लता जी सबसे पहले जो आपने समय बताया है वो सुबह का समय है या फिर शाम का समय है? शाम का समय है। जी जी बिल्कुल, जैसा कि इनके पत्रिका का हमने विवेचन किया है जी। सबसे बड़ी चीज है समझना होगा कि मनुष्य के जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता क्यों है, उस चीज का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, 7वें वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ, लग्न के स्वामी मंगल महाराज जी शनि के साथ में द्वादश भाव में अंगारक दोष बना रहे हैं। हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से कोई छलावे वाली बातें हमने कभी नहीं किया, जो दोष हमारे जीवन में हमारे कर्म के माध्यम से लगे हुए उसका उपचार जरूर करना आवश्यक है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, अंगारक दोष इनकी पत्रिका में लगा हुआ है, जब तक अंगारक दोष समाप्त नहीं होगा
तब तक इनके जीवन में सफलता का युग नहीं बन सकता है। ऐसे कोर्ट कचहरी का, क्योंकि अंगारक दोष का मतलब होता है जब मंगल शनि साथ में बैठ जाए, मंगल राहु साथ में बैठ जाए, तो मनुष्य के जीवन में कोर्ट कचहरी का योग बना रहता है। जैसा कि वर्तमान में इनकी पत्रिका में जो दशा चले, गुरु की महादशा चले, और गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह राहु जी का चल रहा है। 18 सितंबर 2018 तक का समय इनके लिए विशेष परेशानी का है। ऐसे समय के अंदर अंगारक दोष का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, और हो सके तो अपने वजन के बराबर जौ बहते हुए जल में प्रवाह कर देते हैं, तो इनके जीवन में राहु जी की विशेष कृपा हो जाएगी, जीवन में आनंद का योग बन जाएगा जी। और अब पालगढ़ से त्रिवेणी जुड़ी हैं जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। जय माता दी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपको कॉल लगता है, अरे कुछ न कुछ संस्कार है, डालो कर उत्तर आई। मेरे भाई के बारे में पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/82। 3/4/82 और समय? सुबह के 7:25 पालघर जी। इसका खुद का घर कब होगा? और ये बहुत समाज सेवा करता है, ये राजनीति में 2019 में जाना चाहता है, तो इसकी योग है क्या और इसके इष्ट कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और हमें भी ऐसे जो भक्त हैं जब बात करते हैं, फोन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबकी वजह से, आप लोग ही हमारी ताकत हैं, आपकी ताकत से हम अपने कर्मों को कर रहे हैं। जैसा कि इनके पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मेष लगने के अंदर इनका जन्म हुआ है, इनकी भी पत्रिका में अंगारक दोष बना हुआ है। थोड़ी देर समय पहले हमने चर्चा किया, जिनकी पत्रिका में अंगारक दोष बन जाएगा उनके जीवन में थोड़ा सा कर्म में रुकावट समस्या का योग बन सकता है, क्योंकि इनके कर्म के स्वामी शनि महाराज जी छठे भाव में मंगल महाराज जी के साथ विराजमान है, तो दुर्योग इनकी पत्रिका में भी बना हुआ है। हमने थोड़े समय पहले चर्चा किया कि जातक पैसे बहुत आते हैं, जीवन में सफलताएं भी बहुत आती है, लेकिन स्थिर नहीं रहती है, कभी बहुत आ गया और कभी तो बिल्कुल कभी नहीं आया। तो रखने के लिए इनके जीवन में कुछ न कुछ रूटीन में कुछ ऐसा कार्य चलता रहे, उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ। एक तो अंगारक दोष का पूजन आप करा दीजिए, एक मूंगा रण करा दीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर की सेवा लेना प्रारंभ कर दें, और वहां पर जाकर के कम से कम 4 दीपक जला करके 5वां दीपक जो है किसी बड़ वृक्ष पर जलाएं, और ऐसा करने से इनके जीवन में सफलता का जो बन जाएगा, इस उपाय को करिए, लाभ जरूर होगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है ये जानने की कि कौन बने हैं आज के हमारे लकी कौन, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। हमारे आज के लकी कौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी, आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी। जी मैं सुनील बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सुनील बात कर रहे हैं हैदराबाद से, आपको ढेरों बधाई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ट्रांसफर आचार्य जी। जय माता दी। आचार्य जी मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा जन्म की तारीख है जी 28/9/81 जी। समय? समय है 00:45 जी। जी 12:45 रात पे जी। आचार्य जी 27 की रात पे तो 28 हो जाएगा। जी 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 28/9/81/00:45 जी जी। जन्म स्थान कहाँ का है? हैदराबाद का है। क्या जानना चाहते हैं आप जी? अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ आचार्य जी कि आप बहुत अच्छे से कार्यक्रम अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। भाई भी आप अच्छे बोल रहे हैं आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम आप भी एंकरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। अरे बहुत बहुत, वो भी शुक्रिया, बहुत अच्छे से पूछते हैं सभी लोगों से जी, तो उसके लिए धन्यवाद मैडम जी आपको भी। आपको शुक्रिया सुनील जी, आप शो को इतना सराह रहे हैं, आप हमें बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके जी। आचार्य जी मैं अभी घर पर ही बैठा हूँ 3 महीने से जी, कुछ कार्य कुछ काम मेरे को समझ में आ नहीं रहा आचार्य जी जी। और मेरी कुंडली में अंगारक दोष भी है बोल रहे आचार्य जी। अंगारक दोष भी है और अमावस्या दोष भी है जी यार, तो आचार्य जी मैं क्या करूं आचार्य जी, समझ में आ नहीं रहा है कि जीवन में मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, कौन सा बिजनेस करूं जिससे मैं जीवन सही हो सके। आचार्य जी बहुत परेशानी में चल रहा है मैं। बिल्कुल मेरा कृपया करके आचार्य जी अच्छे से सटीक जानकारी दीजिए और उपाय बता दीजिए ताकि मैं बिल्कुल राह में जाऊं मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, बहुत ध्यान से सुनेगा और लाइन पे ही रहेगा, लास्ट में जरूर कुछ चीजें पूछने वाला हूं। देखिए समझना होगा कि हमारे जीवन में सफलता का युग क्यों नहीं बन पाया, दारिद्र्य युग बना हुआ है। हम अगर कभी आगे एपिसोड करेंगे तो जरूर बताएंगे कि दारिद्र्य योग बनता कैसे है। लाभ भाव के स्वामी कभी पीड़ित हो जाए, राहु जी के साथ में विराजमान हो जाए, या 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान हो जाए, तो मनुष्य के जीवन में दारिद्र्य योग बनता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है,
लाभ भाव के स्वामी कौन है? मंगल महाराज जी है, बैठे कहां पर है? राहु जी के साथ में दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो अंगारक दोष लग गया आपके जीवन में। जब तक इनकी शांति नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सफलता का योग नहीं बन सकता। दूसरा बुरा प्रभाव आपके पत्रिका के अंदर कहां से प्राप्त हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में चतुर्थ भाव के अंदर विराजमान है। आपकी पत्रिका में अमावस्या दोष लग गया, आपके जीवन में भी क्या रहा? बड़ा उतार चढ़ाव का योग बना रहा। आपके जीवन में सफलताएं आई, फिर असफलता, फिर सफलता, फिर असफलता का योग आपके जीवन में चलता रहा। आप हमारे भक्त हैं, हमें मानते हैं, तो मैं दो दोष की चर्चा आपकी पत्रिका के माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा। एक तो अंगारक दोष के माध्यम से जो दारिद्र्य योग आपकी पत्रिका में बना है उसका निदान करें, दूसरा अमावस्या दोष का निदान कर देते हैं। अमावस्या के दिन आपको इंद्रजो लेना है, सफेद कपड़े के अंदर एक नारियल लेना है, कच्चे दूध का पैकेट लेना है, किसी नदी पर जाना है, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, क्योंकि पिछले जन्म में माता और पिता दोनों का ऋण आपकी पत्रिका के माध्यम से लगा हुआ है, उनको याद करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि मेरे माध्यम से, मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे वाणी के माध्यम से और मेरे जो है मन के माध्यम से अगर किसी प्रकार की पीड़ा आपको पहुंची है तो आप हमें क्षमा करें। ये तीनों वस्तुओं को बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है, अपने घर पर जाकर के गायत्री मंत्र से हवन करना है। दूसरा कार्य करना है जो अंगारक दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, जब तक आप पूजन नहीं कर सकते तब तक के लिए एक उपाय बता रहा हूं, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 100 सुंदरकांड की जो पुस्तकें होते हैं उसको दान करना चाहिए और हनुमान जी से आग्रह करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में जो असफलता परेशानी का योग है उसको समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करके देखेगा, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, कहा जाता है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और जब ये हम बात करें दिवाली सीजन, जब ये जो हमारा ये फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है जी, एक प्राकृतिक रूप से भी हम देखते हैं कि हम सबके चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं, क्योंकि हमें महसूस हो रहा होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं दिनों में हम देखते हैं शेयर मार्केट में लोगों का पैसा फंस जाता है, बिल्कुल, और कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, यही खुशी का जो चेहरा है वो जो है मायूस सा हो जाता है चेहरा, असफलता परेशानी, सफलता ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी का एक सबब बन जाता है। क्या इसके पीछे कोई खास योग होते हैं और क्या ऐसे में उपाय होने चाहिए? एक महाप्रयोग तो आप आगे बताने वाले, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है ये जरूर समझाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कंचन जी। जैसे कि हमने चर्चा किया जी। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के अशुभ दोष जब लगते हैं तो दारिद्र्य योग बनता है। जैसे आज थोड़े समय पहले हमने बोला कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर दारिद्र्य योग बना है तो जब भी उस ग्रह की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर आएगा हमारे जीवन में ऐसे कर्म हो जाएंगे कि उस कर्म के माध्यम से हमारे जीवन में असफलता परेशानी का योग बन सकता है। करना क्या है समझना बहुत आवश्यक है। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी पत्रिका में कर्मेश को देखना बहुत आवश्यक है। कर्मेश कौन है? आपकी पत्रिका में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस योग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुर्योग बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पत्रिका में द्वादश भाव से दुर्योग बना और हम जाकर शेयर मार्केट में लग जाएं या कोई भी लॉटरी या कुछ भी हम करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? परेशानी असफलता का योग बन जाता है। अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं जिनकी पत्रिका में दुर्योग विराजमान है, दुर्योग बना हुआ है। बार बार मैंने चर्चा किया, आपके दसम भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर पापी ग्रह के साथ विराजमान है या छठे भाव में बैठे भी हैं, ऐसे व्यक्ति को बहुत सावधानी से किसी कार्य को करना चाहिए। अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, किसी पापी ग्रह के साथ विराजमान है, ऐसे समय के अंदर विशेष सावधानी रखना चाहिए। लेकिन बारहवें भाव के अंदर किसी अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है, ऐसे जातक को 100 बार सोच करके किसी शेयर मार्केट के अंदर अपने पैसे को लगाना चाहिए, नहीं तो मनुष्य के जीवन में असफलता परेशानी का योग बन सकता है। एक चीज बताया गया है, उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं जिनके जीवन में शेयर मार्केट के माध्यम से उनको बहुत पीड़ा, बहुत सारा लॉस आ चुका है, उसके लिए एक उपाय करें। आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। सनातन धर्म के अंदर बताया गया है कि जिन जातकों के जीवन में ऋण का योग बना हुआ है, 7 जन्मों तक कभी धन का अभाव नहीं रहता है, आस्था के साथ आप जो है श्री सूक्त का पाठ सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, 3 अगर पाठ करते हैं प्रतिदिन तो विश्वास मानिए, आप ऑफिस में रहते हैं ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, और रात में आप जाके घर पे हवन करते हैं तो विश्वास मानिए, अगर आपके जीवन में धन अभाव योग बन चुका है, आपके जीवन में धन का अशुभ योग बना हुआ है, तो आप इस उपाय को करिए, लाभ जरूर होगा। बिल्कुल,
यानी कहीं ना कहीं देखा जाए आचार्य जी, हमारे कर्मों को भी हमें सुधारना होगा, सकारात्मक सोच रखनी होगी, अच्छे कर्म करने होंगे, तभी ये चीजें भी फलीभूत होती हैं। आचार्य जी, आप चाहेंगे कि वो सस्पेंस भी आप खोल ही दीजिए, महाप्रयोग महा उपाय भी आप बता ही दीजिए, ताकि सबके पास ये जो सीजन है, मतलब दिवाली आने वाली है, सबके घरों में बेशुमार धन हो, माँ लक्ष्मी इनसे सदैव प्रसन्न रहे। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन तो हम बहुत करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी किससे प्रसन्न होती हैं, कभी हमने सोचा है, किसी ने आपको बताया है? अपने उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि माँ किसकी सेवा से प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में आपकी माँ आपके सेवा, अगर आपको कोई व्यक्ति उपहार देता है, या आपके लिए कोई दान देता है, या आपके लिए कोई कपड़ा कोई चीज देता है, तो माँ आपकी बहुत प्रसन्न होती है। उसी प्रकार से जो है विष्णु महापुराण के अंदर बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्र है, 18 पुत्रों की सेवा अगर आप शुक्रवार के दिन किसी लक्ष्मी मंदिर में जा करके माता लक्ष्मी जी के 18 पुत्रों का स्मरण करके उनका अर्चन पूजन वंदन करने के बाद उनका अगर खीर का भोग लगाते हैं, तो विश्वास मानिए माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सफलता का युग बना देती है, आनंद का युग बना देती है। और आपके जीवन में दारिद्र युग लगा हुआ है, कर्जे का युग लगा हुआ है, धन अभाव युग लगा हुआ है, विश्वास मानिए कम से कम 5 शुक्रवार करके देखेगा, आपके जीवन में धन का जो बन जाएगा। बिल्कुल। और अब सुधा जुड़ी हैं भिवंडी से। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी सुधा जी। हेलो जी। हाँ पंडित जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सुधा जी, बताएं अपने बारे में आप। हाँ मैं ना आपकी आवाज कट रही है सुधा जी, नहीं सुनाई नहीं। हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। माफ कीजिएगा सुधा जी, सचमुच में आपकी आवाज हम तक बिल्कुल नहीं अच्छे से पहुंच पाई है, जिसकी वजह से आपका सवाल भी नहीं पहुंचा, जानकारी भी नहीं, तो फिर जवाब भी कैसे मिल पाएगा। लेकिन आप हमें मेल भी कर सकते हैं tare@liveindia.tv पर अपनी समस्या। और इसके अलावा जैसे कि जो प्रयोग आपको बताए गए हैं, यानी कि आचार्य जी, हम चाहेंगे कि एक ऐसा टिप भी आप सबको दें जिसे अपनाने के बाद खास तौर पर हमारे जीवन में हमें कभी भी आर्थिक तंगी ना देखने को मिले, कुछ ऐसा बताना चाहें आप? बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारी पत्रिका में दुर्योग लगता क्यों है? दुर्योग को समझना बहुत आवश्यक है कि अगर हमारी पत्रिका में दुर्योग लगा हुआ है तो उसका उसका कर्म क्या है, हमने किसको क्या किया है, ऐसे क्या हमने कर्म किया कि हमारी पत्रिका में दसमेष पीड़ित हो गए। हम अगर किसी अपने जैसे नीचे के जो लोग होते हैं या हमारे साथ जो कार्य करते हैं, जब उनको हम पीड़ा पहुंचाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनके जीवन में समस्या दारिद्र योग का योग बना देते हैं, तो हमारी पत्रिका में आने वाले जन्मों में दुर्योग बनता है। शनि जी क्या बोलते हैं, दशमेश किसको बोला गया, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज जी, दो प्रकार का प्रभाव बताया गया है। मेरे भाई बहन, हम दोनों लोगों को समझाना चाहते हैं, एक तो कर्म मिलने के बाद, कार्य मिलने के बाद, हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं या जो सरकारी नौकरी करते हैं, हम उन तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं, जो समय आपको काम करने के लिए मिला है उस समय के अंदर आपको काम करना बहुत आवश्यक है। अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो आपकी पत्रिका में, आपके आने वाले पीढ़ियों में जो है दुर्योग बन सकता है। और उन तमाम अधिकारियों को समझाना चाहते हैं जो उनके साथ में लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, जो उनका स्टाफ है काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको हम पीड़ा का युग बना देते हैं, बार बार उनके जीवन में तनाव का युग बना देते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में जो है दुर्योग बन जाता है। और दुर्योग बनने से कई बार आप देखेंगे कि आप तो बहुत अच्छा जीवन जिए, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी, आपकी संतान के जीवन में दुखों का युग बना है। बेहतर है कि सबके साथ सबका सम्मान रखें, सबकी भावनाओं का सम्मान रखें, और हर व्यक्ति अपने निष्ठा के साथ कार्य करने से मनुष्य के जीवन में कर्मवान युग बनता है। अपने जीवन में अच्छे आनंद का युग बनाए, अच्छी सफलता का युग बनाए, दूसरों को पीड़ा ना दें, यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, और तभी इसी सीजन में हम देखते दिवाली के, तो जब दिवाली आती है तभी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या फिर अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ या त्योहार में तोहफे देने का भी एक जो प्रथा है चलती है, इसीलिए होती है कि आप खुशी, आपके जीवन में तभी खुशी आएंगी जब आप दूसरों को खुशी देंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपने भी दिया है आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तारे सितारे में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए, कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। देश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अखिलेश ने अमर सिंह पर बोला हमला, कहा उनके बयान से हूं आहत। अमर ने कहा था अखिलेश नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस्तीफे की पेशकश की। शिवपाल ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कसम खाकर कहता हूं अखिलेश ने नई पार्टी बनाने की कही थी बात, यूपी में मुलायम संभाले नेतृत्व, अमर सिंह का किया बचाव। बैठक में बोले मुलायम सिंह यादव, कहा पार्टी में टकराव से हूं दुखी, पार्टी बनाने के लिए खाई लाठियां, जो उछल रहे हैं वो नहीं झेल पाएंगे एक भी लाठी। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा, शिवपाल और अखिलेश यादव के समर्थक आपस में भिड़े, भारी संख्या में फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, बीएसएफ के हेड कांस्टेबल सुशील कुमार शहीद, तीन आम नागरिक जख्मी, 20 से ज्यादा चौकियों पर हुई गोलीबारी। घुसपैठियों को खदेड़ने वाले बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार,